25 और 75 के बीच में ऐसा रेश रहने वाला है। तो आपको दो भागों में इसको पढ़ाई करना पड़ेगा कि पहला मार्क मिलेगा, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो आपका कितना कटेगा? -0.25। एक क्वेश्चन गलत करेंगे आपका 0.25 नंबर कटेगा। तो अभी कोविड चल रहा है, तो जहाँ तक चांसेस हैं कि ऑनलाइन मोड में ही एग्जाम होंगे, जो भी पिछले 2 साल से हो रहे हैं ऑनलाइन। अगर कोविड केसेस कम होते हैं या कोविड का थोड़ा कम होता है, तो ऑफलाइन सेंटर भी इसके बना दिए जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मानस मिश्रा आज आप सभी के बीच उपस्थित हूँ यूनिवर्सिटी ड्रीम चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सीयू सीईटी से संबंधित आपके जितने प्रश्न हैं, उन सभी के प्रश्नों का समाधान करने वाले हैं। और जो अभी खबर चल रही है कि सीयू सीईटी 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में लागू होगा या नहीं होगा, इसका पैटर्न क्या रहेगा, इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों का अंकन या मूल्यांकन कैसे होगा, परीक्षा कौन कंडक्ट कराएगा, या फिर सीयू सीईटी या सीयू ईटी क्या है, इन सभी प्रश्नों का समाधान आज के इस वीडियो में होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे सीयू सीईटी और सीयू ईटी के बारे में। यहाँ पे यूजी और पीजी दोनों के बारे में हम विस्तृत अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं, और एंट्रेंस एग्जाम जो 2022 में कंडक्ट होने वाले हैं यूजी और पीजी के, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीयू सीईटी क्या है। तो सीयू सीईटी का फुल फॉर्म कहा जाए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। और ये सेंट्रल जो सीयू ईटी है, इसका है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो इसका ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, काफी जगह लिखा है कि सीयू सीईटी और काफी जगह लिखा है कि सीयू ईटी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो 54 चंगवन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। अभी एनटीए यूजीसी एग्जाम को करवाएगी, आपको परीक्षा देनी होगी। और ये यूजी और पीजी दोनों के लिए अप्लाई है, अर्थात जो बीए बीएससी या बीकॉम अर्थात अंडर ग्रेजुएट करना चाहते हैं या ग्रेजुएशन में जाने वाले हैं, तो उनको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। और जो पीजी में जाने वाले हैं अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट स्नातक करने वाले हैं, उनके लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा ही आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे। तो बात करते हैं अब कि क्या 2022 में, जब 2022 का इसी वर्ष एंट्रेंस एग्जाम होंगे, तो क्या 2022 में इसका एग्जाम होगा और सीयू सीईटी के तहत होगा या और यूजी के लिए अप्लाई है या पीजी के अप्लाई है। तो एक एक तरीके से एक एक करके सारी चीजें डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि यूजी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो सीयू सीईटी एग्जाम देने वाले हैं, और जो यूजी के स्टूडेंट्स हैं, मतलब अर्थात बीए या बीएससी या बीकॉम, जो भी आप करना चाहें, ईटीसी जो भी आप करना चाहें, तो उसके लिए जो पैटर्न है, जो सिलेबस है एंट्रेंस एग्जाम का, सीयू सीईटी का या सीयू सीईटी का या सीयू ईटी का, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस में देखेंगे, इसमें दो भागों में बांटा गया है, पेपर को आपको दो भागों में बांटा जाएगा कि 25+ और 75, ये रेशियो रहेगा। अर्थात 25 जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे आपके इंग्लिश जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग से, ठीक है। और जो 75 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रहेंगे, जैसे कि अगर आप बीए करना चाहते हैं आर्ट्स या सोशल से, तो आपका रहेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यही सब रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा इन सब में, ठीक है। अगर आप साइंस से बैकग्राउंड से पढ़ना चाहें या बीएससी करना चाहते हैं, तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, जो भी आप बायो वर्क से जाएंगे तो बायो होगा मैथ की जगह, या मैथ मैथ लेना चाहेंगे तो मैथ रहेगा। और अगर आप बीकॉम करना चाहेंगे तो कॉमर्स सब्जेक्ट से आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न जो है वो रहने वाला है आपका ऑनलाइन सीबीटी मोड, सीबीटी मोड अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा आपका। और एग्जाम पैटर्न में आपको बताया बताया दिया है कि 25 और 75 के बीच में ऐसा रेशियो रहने वाला है। तो आपको दो भागों में इसको पढ़ाई करना पड़ेगा कि पहले पहले पार्ट में आपको पार्ट वन और पार्ट 2, ठीक है। और आपके ऐसे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन, और आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन 2 घंटे का टाइम, अर्थात 100 क्वेश्चन 120 मिनट्स, आराम से आप क्वेश्चन को कर सकेंगे। और ऑनलाइन ऑफलाइन मोड का अभी कुछ कह नहीं सकते, अगर कोविड है, अभी देखिए कोविड चल रहा है, तो जहाँ तक चांसेस हैं कि ऑनलाइन मोड में ही एग्जाम होंगे, जो अभी पिछले 2 साल से हो रहे हैं ऑनलाइन। अगर कोविड केसेस कम होते हैं या कोविड का थोड़ा कम होता है, तो ऑफलाइन सेंटर भी इसके बना दिए जाएंगे, ठीक है।
और अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ भी और जानकारी चाहिए हो, आपको देखिए सिलेबस चाहिए ना बीए बीएससी बीकॉम का, जो भी आपको सिलेबस चाहिए आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए यूनिवर्सिटी ड्रीम 00, और आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि अगर आपको उसका वीडियो चाहिए तो हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, एक एक करके टॉपिक को समझा देंगे। अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सिर्फ सिलेबस से मतलब है या फिर आप सिलेबस चाहते हैं तो आप टेलीग्राम लिंक या फिर आप कमेंट सेक्शन में हमको आप कमेंट कर दीजिए कि हम आपको सिलेबस चाहिए या फिर पीडीएफ। तो हम एक तो यूनिवर्सिटी ड्रीम जो 00 टेलीग्राम लिंक है इसमें हम आपको सिलेबस सेंड कर देंगे, ठीक है। रही बात है इसके पैटर्न और मोड की, तो बात हो ही गई, इसमें आप 54 यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले पाएंगे और अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो इसके पहले जो है हम कुछ वीडियोस बनाया है हमने एमए के से रिलेटेड तैयारी करने के लिए, तो जो भी आपके साथी या जो आपके बड़े भाई लोग या मित्र जो भी एमए का तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियोस बनाया गया है, उसको आप देख लें, उसमें सारा सिलेबस आपको डिस्कशन किया गया है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। और एक और बात और के एंट्रेंस एग्जाम जो मार्किंग रहेगी, मार्किंग ये आपको पर क्वेश्चन पे 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो आपका कितना कटेगा? -0.25, एक क्वेश्चन गलत करेंगे आपका 0.25 नंबर कटेगा, तो माइनस मार्किंग है इसमें। तो सावधानी से आप आराम से एग्जाम देना, ठीक है। और इसके जो वीडियोस हैं इसके कुछ टाइम बाद, 1-2 दिन बाद हम इसके वीडियोस आप तक पहुंचाएंगे, वीडियो के माध्यम से आपको सारे जो मटेरियल है पढ़ाया जाएगा समझाया जाएगा। आपको अच्छा लगा हो चैनल को लाइक करें शेयर करें, और आपको जो भी समस्या हो तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं, आप टेलीग्राम लिंक से आप हमसे पूछ सकते हैं या फिर इंस्टा आईडी है आशीष जायसवाल, इंस्टा आईडी है जायसवाल, या फिर आप मनु बुंदेली, मनु बुंदेली, आप मनु बुंदेली सर्च करेंगे तो वहाँ आपको इंस्टा आईडी मिल जाएगी हमारी, आप वहाँ से भी हमको फॉलो करके और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।